दोस्तों नमस्कार। तो रिसेंटली फीफा ने AIFF को बैन कर दिया है। हिंदुस्तान में मंगलवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, और यह खबर फुटबॉल की दुनिया से जुड़ी थी। दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संस्था को सस्पेंड कर दिया है। स्टोरी फ्रॉम इंडिया, इंडियन फुटबॉल सफर्ड अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट टुडे। फीफा हैज सस्पेंडेड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर। हाँ तो दोस्तों, फीफा ने AIFF को बैन कर दिया। अब इसका क्या रीजन है, वो फीफा ने ये दिया है कि इसमें मेनली फीफा ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि फीफा ने कहा है कि आप COA को बीच में मत लाओ, यानी कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो मेन एलिगेशन इसमें लगा है। अब ये COA क्या है और ये क्या एलिगेशन है, अब इसको हम शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, AIFF हमारी जो फेडरेशन है, इसके प्रेसिडेंट है हमारे प्रफुल्ल पटेल, जो कि 2008 से प्रेसिडेंट बने हुए हैं AIFF के। हाँ दोस्तों, 2008 से और 2022 तक 14 साल से ना तो इसमें कोई इलेक्शन होते हैं, ना इसमें कोई और डेमोक्रेटिक साइकिल होती है जिससे ये हो कि हाँ भाई ये फेडरेशन बिल्कुल डेमोक्रेसी पे चलती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मई 18 को 2022 को प्रफुल्ल पटेल को बिल्कुल हटा दिया और एक कमेटी बनाई थी COA, कोर्ट अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसी की वजह से दोस्तों, हाँ दोस्तों, यही वो COA है जिसकी वजह से फीफा ने AIFF को फिलहाल के लिए बैन कर दिया है। अब फीफा का कहना यह है कि अगर ऐसे ही थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस किसी फुटबॉल क्लब में होते रहेंगे तो उस क्लब को ना तो इंडिपेंडेंस मिल पाएगी, ना वो अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएगा। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कहां से, इसको जानते हैं दोस्तों। अब प्रफुल्ल पटेल AIFF के प्रेसिडेंट बने हुए थे, वो ना तो वो उस प्रेसिडेंसी को छोड़ते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे देश में कुछ रीति ऐसी चलती है कि अगर यहाँ किसी कुर्सी या गद्दी पर कोई नेता बैठ जाए तो वो उसे छोड़ने के लिए वो राजी नहीं होता। यही कारण था सबसे बड़ा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा कि COA अपॉइंट करा, उसके बाद एक कमेटी गठन हुई, उसके बाद उसको हटाया गया प्रफुल्ल पटेल को, जिसकी वजह से फीफा ने एक्शन लिया कि भाई आप थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ला रहे हो, कोर्ट अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ला रहे हो। अब दोस्तों, जानते हैं कि फीफा के AIFF को बैन करने के क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों, AIFF के बैन होने के बाद ना तो हमारी टीम कहीं जा सकती है, ना कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर्स हो सकते हैं, ना हमारी टीम ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में, किसी में भी खेल सकती, किसी कैटेगरी में भी नहीं खेल सकते। और हाँ दोस्तों, जब एक क्लब या एक टीम बनती है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर से सब प्लेयर्स खुद को स्पॉन्सर कर देते हैं, एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उनको स्पॉन्सर करती हैं, जैसे कोका कोला हो गई या फिर टाटा और जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो सब स्पॉन्सर करती हैं इनको, जिसका नुकसान यह होता है कि उनका पैसा फंसेगा, वो आगे स्पॉन्सर नहीं करेंगी, स्पॉन्सर नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो दोस्तों क्लब के पास पैसा नहीं होगा खेलने के लिए, क्लब की एसेसरीज, क्लब का खर्चा, क्लब के जाने आने का खर्चा। तो दोस्तों, यह कितना बड़ा डाउन साइड इफेक्ट है आप खुद सोच कर देखो, एक छोटी सी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, छोटी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कि भाई मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं और मैं सिर्फ ही रहूं इस पर, कोई और नहीं चुना जाए, इसकी वजह से हमारे फुटबॉल क्लब को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है, उन्होंने कमेटी बनाई कि भाई आप इसमें इलेक्शन करवाओ, इसमें कोई और जो इस कैटेगरी में आदमी सुटेबल हो आप उसको बिठाओ इस पर। हमें ये नहीं कहते कि आप क्रिकेट का कोई बंदा ला के बिठा दो या फिर कोई हॉकी का प्लेयर ला के बिठा दो, आप इससे ही रिलेटेड, इसी कैटेगरी से रिलेटेड इसमें कोई आदमी बिठाओ, लेकिन आप इसे प्रेसिडेंशियल और इसे डेमोक्रेटिक वे में करो, इसमें इलेक्शन करवाओ, जो इलेक्ट हो उसे आप प्रेसिडेंट बनाओ, जो इसके काबिल हो। तो दोस्तों, यही थे मेरे विचार इस वीडियो पर कि कैसे एक पॉलिटिकल एम्बिशन गेम के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि क्या ये पॉलिटिकल एम्बिशंस देश के लिए खतरनाक होते जा रही हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत। All right, let's go.